मध्य प्रदेश में अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए राज्य सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस दिशा में टेक्नोलॉजी के बढ़ते उपयोग की घोषणा की है। अब अपराधियों को वारंट, समन और नोटिस जैसे कानूनी दस्तावेज व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंगलवार 20 अगस्त को वाल्मीकि धाम आश्रम पहुंचे थे, जहां उन्होंने राज्यसभा सांसद उमेश नाथ महाराज के साथ पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने एबीपी न्यूज से विशेष बातचीत में बताया कि मध्य प्रदेश में अपराधियों को पकड़ने के लिए अब डिजिटल तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस को नोटिस और अन्य कानूनी दस्तावेज जारी करने में जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता था, उन्हें अब सोशल मीडिया के माध्यम से हल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस दौरान उज्जैन में दो नए थानों की स्थापना की भी घोषणा की। साथ ही राज्य के अन्य क्षेत्रों में जरूरत के हिसाब से नए थानों को खोलने की बात कही। यह कदम सरकार के अपराध पर लगाम कसने और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य में जन्माष्टमी के पर्व की तैयारियों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि नई सरकार के गठन के बाद पहली बार जन्माष्टमी का त्योहार आ रहा है, जिसे तहसील और पंचायत स्तर तक बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। इस दिशा में उज्जैन जिले की महितपुर तहसील के नारायण गांव में विशेष तैयारियां की जा रही है, जहां भगवान श्री कृष्ण लकड़ी बीनने के लिए जाया करते थे। इस नई पहल से सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वह टेक्नोलॉजी का सही उपयोग कर अपराधियों पर सख्ती बरतने के लिए प्रतिबद्ध है, जो राज्य की सुरक्षा और विकास में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है।